बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम राशिद सराज फ्रॉम पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्नाटकी ज़मीनों पर गंदम की काश से बेहतर पैदावार हम कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी भी कर्नाटकी ज़मीनें हैं और आप गंदम की काश करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कुछ दी हुई हिदायतों पर अमल करके आप अपनी कर्नाटकी ज़मीनों पर भी गंदम की काश कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी ऑन स्क्रीन। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे 1 acre पीस ऑफ लैंड दैट इज साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ओके, ये आपका कलराठा जमीन का टुकड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको 1 acre में मेजर करें। पहले तो आप इसमें लाजाप्लॉन लगवाएं जो डीप प्लोइंग करता है। 15-20 दिन गैप देने के बाद आप इसके अंदर 15 से 20 बैग्स ऑफ जिप्सम पाउडर छटा करवा देना, ठीक है, ताकि अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर 2 किलो गोबर के लगवाएं, ठीक है। 2 किलो गोबर लगवाने के बाद इसमें आप कल्टीवेटर लगवाएं। कल्टीवेटर के बाद लेवल कराएं। लेवल के बाद बन्ना में करने के बाद, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको पानी से भर देना है, फुल कर देना है, ठीक है, फुल विथ वाटर। पानी से भर देने के बाद अब आए आप सीड सिलेक्शन की तरफ। तो आपने क्या करना है, न्यू वैरायटी का इस्तेमाल करना है। न्यू वैरायटी कौन कौन सी है, जिसमें अकबर, 19, दिलकश, फखर बखर, ये तीनों नई वैरायटी हैं और आजकल इनका ट्रेंड चल रहा है। इनकी यील्ड भी अच्छी है। आप इन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इनको किसी नहरी पानी या किसी मीठे पानी में अच्छे तरीके से डिप कर लें, यानी कि फुल भिगो लें। फुल भिगोने के बाद आप अपनी इस जमीनों के अंदर जो कि फुल वाटर लैंड है, ठीक है, पानी के साथ भरी हुई है, ठीक है, आप जैसे ही इसमें वट्टे का टाइम आए, यानी कि वट का टाइम आए, आप इसमें छट्टा करवा दें। अब छट्टा करवाने पर आपका सीड रेट कैसे होगा, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी जमीनें हैं उनमें हम 40 से 50 किलो पर एकड़ के अंदर देते हैं। ओके, हमारी ये साल्ट अफेक्टेड, हमें इनका सीड रेट इंक्रीज करना होगा। वो कितना होगा, हमें 60 किलो ग्राम टू 70 किलोग्राम सीड रेट। ओके, 60 किलो से 70 किलो तक हमें इनका सीड रेट रखना होगा बिकॉज ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। कलराठी जमीन है हमारी, ठीक है, अगर हमारी नॉर्मल होती तो हम कितना रखते, 40 से 50 किलोग्राम इन्हीं वैरायटियों का, ठीक है। अब उसके बाद आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप तेजाबी खाते हैं जो भी, आप उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि गोबरा, नाइट्रोफास, अमोनियम सल्फेट। याद रखिएगा डीएपी का इस्तेमाल आपको नहीं करना, ठीक है, डीएपी दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, जैसे कि आपकी कलराठी जमीनें हैं तो आपकी जो गंदम की ग्रोथ होगी वो भी बहुत स्लो होगी, स्लो स्लो, यानी कि स्लो स्लो होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको फोलियर एप्लीकेशन भी अप्लाई करना होगा अपनी लैंड्स के अंदर, यानी कि आपकी की हुई गंदम की काश 60 से 70 दिन तक अगर पहुंच जाए तो उसके बाद आप फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू आप फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करें, जिसमें आपको 10-10 दिन का भी गैप देना पड़ेगा, जिसमें आप यूरिया, पोटेशियम, जिंक आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको यूरिया, जिंक, पोटेशियम, फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू आपको 10-10 दिन का गैप देके आपको अप्लाई करना है। ओके,